हम प्रणाम और अभिवादन करे छी। हमर सौभाग्य है जे हम पवित्र मिथिला नगरी के बेटी और पुतहु सेहो छी। बेटियों के रूप में अहाँ सब माया कर रहल छी और पुतहियों के रूप में अहाँ सब ममता कर रहल छी। तै दुआरे हम सब गर्व से कहै छी जनकपुर धाम भवनसार जिला हमरा सभे के है। सीता के महत्व हमरा सबके सर्दे अध्यक्ष बुझै छथि। वही दुआरे नेकपा एमाले से हम सब अई प्रदेश के नाम मधेश प्रदेश नहीं की जानकी प्रदेश हो गई का प्रस्ताव कैले रही। लेकिन हमरा सबके दुख लगे कि हमरा सबके इतिहास धरोहर दी जानकी जी सब पहचान वही के भी मिटवा में कुछ पार्टी सब बहुमत और अल्पत में लागल आज सब हे कोई जाने छी। आज सब बुझ सके छी अई मधेश प्रदेश के नाम जानकी प्रदेश हो के छले। मिथिला के इतिहास 5,500 वर्ष पुरान है। अही भूमि पर शिर ध्वज जनक यज्ञ प्रेम स्वतानंद गौतम गागरी मैत्री भारती उर्मिला मांडविया श्रुति कृति सहित के विद्वान और विदुषी सब जन्मल छला। हम अपन पूर्वज सबके स्मरण करल चाहे छी नमन करल सेहो करल चाहे छी। जय किशोरी जी जय जानकी जी सेहो कह चाहे छी। आदरणीय जन समुदाय सब एते उज्जवल इतिहास रहल जनकपुर धाम के वर्तमान अवस्था केहन छै यही ठाम के शिक्षा स्वास्थ्य अर्थतंत्र पर्यटन सड़क नाला सब अस्त व्यस्त है अहाँ सब कोई बुझ रहा है। आई हम सर्दे अध्यक्ष के अगारी में जनकपुर धाम के बारे में सुनब के मौका मिलल। अई दुआरे अहाँ सब के साक्षी रह के जनकपुर धाम अई मधेश प्रदेश के विकास के लेल नेकपा एमाले की कैले सभे कोई जने छे। आई रेल मार्ग होए जल मार्ग होए आई सड़क होए आई तराई सड़क समृद्धि योजना होए आई अय के विकास के शिक्षा या आर्थिक राजनीति के लेल होई। आई अय बहुते विकास के बात सब आयल। आई जनकपुर मधेश प्रदेश के राजधानी मुद्दा नगर लाइन थीन के साइट के समस्या अखनो देर समाधान नहीं भेल सकल। एशियन डेवलपमेंट बैंक सहयोग में संचालित रहल एकीकृत शहरी विकास आयोजना अंतर्गत लाइन थीन साइट के व्यवस्था सेहो रहे। अही लेल 500 करोड़ से बेसी रकम विनियोग कैल गेल रहे मुदा एक गोटा नेता के कारण से बन के सफल नहीं भेल। एगो नेता के जिद के कारण से बजट फीता चल गेल हमरा नहीं कह पड़त। अहाँ सब गोटा के मालूम है कि वो नेता की है अहाँ सब एक कोई के मालूम है। जनकपुर के वही कारण से आई भूगोल के व्यवस्थापन नहीं भेल रहल। हम अहाँ सब कोई एमाले स्वच्छ सफा हरियर और सुसंस्कृत मधेश प्रदेश और जनकपुर धाम के परिकल्पना कहने से अपने सबके साथ और सहयोग से जनकपुर के स्वरूप जरूर बदलते से हम अहा सबके विश्वास भी बताए थी। हमरा सब के पार्टी महिला दलित जनजाति युवा ज्येष्ठ नागरिक गरीब गुरुआ और सामाजिक तथा राजनैतिक रूप से पछाड़ी पड़ल आम लोग के पार्टी के हितैषी पार्टी है से हम आज जाने छे। भौतिक विकास के सभ्यता के प्रतीक होइ छे और मानवीय विकास संस्कृति के प्रतीक होइ छे। जै समाज में सभ्यता या संस्कृति के मिलन होइ छे उहे समाज समुन्नति बनै छे। एमाले भौतिक विकास के साथ साथ पर्व त्योहार मेला ठेला लोक जीवन के सेहो आगा बढ़ब चाहे अपने सबके बुझले हो जैसे ही लक्ष्य पूरा के लेल नेकपा एमाले और हमरा सबके सर्दे अध्यक्ष सुखी नेपाली और समृद्ध नेपाल चाहे सभी गोरा के मानुमा आदरणीय जन समुदाय सब जनकपुर धाम सहित मधेश के समग्र विकास शांति सुरक्षा सुशासन और समुन्नति के लेल अघन चाहिर गते जे होय वाला प्रदेश और प्रतिनिधि सभा के चुनाव है वही में हम अहा सभी के चुनाव है। ये चुनाव अई मधेश के विकास के लेल अई देश के राष्ट्रीयता के लेल युवा के रोजगारी के लेल महिला के सम्मान के लेल दलित के उत्थान के लेल अई के लेल ये अघन
में चुनाव हो रहा है। चुनाव में आ सबके साथ सहयोग के जरूरी है कि हम आ सबके बीच में रखना चाहे आदरणीय जन समुदाय सब मधेश के एगो अन्न के बखारी कहल जाए थे। मुदा अभी जे किसान सब छत अन्नदाता सब छत समय पर बीज मल खाद नहीं भेटे है। वही समय में देखलिए दू बरिस अगाड़ी जे हमरा सबके सर्वीय अध्यक्ष के पी शर्मा ओली जी के नेतृत्व के सरकार रहे। वही समय में मधेश प्रदेश के खास कक किसान सबके दिक्कत नहीं हो तो के लिए कमला कोसी ड्राइवर सन के शिलान्यास कैने छिन और अही देश में दोसर देश पर निर्भर भकर नहीं रह पड़े तई के चलते अही देश में खाद के फैक्ट्री के शिलान्यास कैले रहे। लेकिन आई परमादेशी सब बनल सरकार निस्वेर होकर सुतले कोनो जनता के दुख सुख से मतलब नहीं है। वही सब विकास के एगो कोना में लगा कर धते दे एक गो ओकर दिन ध्यान है तो कुर्सी के खेल को आ सभे कोई देख रहल छी। आदरणीय जन समुदाय सब अही अही मधेश प्रदेश के इंचार्ज जब भौतिक पूर्वाधार मंत्री भेल रहे वही समय में तराई समृद्ध योजना कही को अही तराई मधेश के समृद्ध कर के लेल 2200 बेसी सड़क सब के योजना लाइल गेल रहे। लेकिन मधेश के मसिया कहवा वाला पार्टी दलित और पवित्र गठबंधन का सरकार में गेले तो सबसे पहले उहे योजना काट दिल के हाँ सब कोई दलित हो गए। अहि दुआरे के है मधेश विरोधी और के है मधेश के विकास प्रेमी आहा सब कोई बुझ लेने छी। जब जब निर्वाचन आयल तो नेकपा एमाले के गलत देखब लागल जब नहीं कथु देखल तो वही बात के छोड़ कर गलत अवधार से बाज लागल जे बात अहा सब के बीच में रखे छी वही बात के गलत दिशन से दृष्टिकोण दिए लागल। अहि दुआरे हम संपूर्ण आदरणीय जन समुदाय सबके कह चाहब कि नेकपा एमाले और हमरा सबके सर्वे अध्यक्ष के पी शर्मा ओली जी अहि देश के विकास के मुहार फेरे चाहिए। सबसे बेसी आई शिक्षा में पछाड़ी पड़ल इहे जिला और इहे प्रदेश है। आई रोजगारी के लिए सबसे बेसी युवा सबके अरब कतार जाए वाला इहे जिला और इहे प्रदेश है। अहि सबके लिए हमरा सबके सर्दी अध्यक्ष अब आवे वाला अगहन साहिर गतेन के नेतृत्व में प्रधानमंत्री के बनाकर नेतृत्व हुनकर नेतृत्व में सरकार बनाकर अहि देश के मुहार फेर चाहे छी अहि मधेश के विकास करब चाहे छी अहाँ सभी कोई जाने छी। आदरणीय जन समुदाय सब अहि सब पहिने तो भी जब 51 साल में हमरा सबके स्वर्गीय आदरणीय नेता मनमोहन अधिकारी जी के बेर में सरकार बनल तो उस समय में देखलिए कि कहे नेकपा एमाले के वोट दे तो बुढ़वा बुढ़िया के मार देते जैसे रूप आ सब देखलिए 100 रुपया साई 4000 नेकपा एमाले कहने रही 5 बरिस में 5000। लेकिन विकास विरोधी सब ये सामाजिक सुरक्षा विरोधी सब सरकार गिरब के काम करके अहा सब कोई जाने छी। तेकर बाद में 70 साल 74 साल के चुनाव में जब चुनाव आये तब अलग किसी के नारा दिख रहे वह समय में कहे कि नेता भाई माले मधेश विरोधी है। अरे के जनता बहुमत का प्रदेश सरकार बनेल के स्थानीय सरकार बनेल के कते विकास भेले अहा सब कोई जाने छी कि आई साइकिलों में भ्रष्टाचार भी आज सब कोई जाने छी कि आई साइकिलों में भ्रष्टाचार। अहि दुआरे आदरणीय जन समुदाय सब फिर भी एगो महायज्ञ थने है साधु संत सब लेकिन वही महायज्ञ के विधलो के लेल रावण कौन सब ऊपर सब देखते रहे फेरु चाहे कि विकास प्रेमी पार्टी के जनता के मधेश के जनता के हम नहीं ठीक सके जी तो उ सब फेरु आई नागरिकता के विषय लवे नागरिकता के विषय लवे आई गलत अवधार कर रहे कि नेता पाए माले नागरिकता नहीं कह रहे हम आ सके साक्षी करके कह रहे जी आई स्वर्गीय अध्यक्ष मंच पर बैठले आई नेता भाई माले के मधेश प्रदेश के एक नंबर प्रदेश के बहुत ही नेता सब मंच पर बैठले सब गोरा के साक्षी के कहे छी कि जहिया 4 बरिस अगाड़ी जब हमरा सब के अध्यक्ष के नेतृत्व में सरकार बनले वही समय में कैबिनेट से डिसीजन क के जे जन सीध के बेटा बेटी तेरा वंशज के आधार में नागरिकता दी गई का डिसीजन कहने रहे और कुछ
लोग सब कुछ पार्टी के नेता सब मुद्दा दिया को उ रोक के काम कहते रहे आज सब ये पैसा पहले नागरिकता के विषय के समस्या समाधान करी बराबर सब कोई सुने तो रहे जे हमरा सके सर्दी अध्यक्ष कह रही हमू आई आज सब साक्षी रह के कही थी ये सरकार कौन कोना में सुतल है परमादेशी सरकार ओकरा कह चाहे थी कि आ अल के युवा 7 लाख युवा के समस्या समाधान करे चाहे थी तो आइए अभी अई मंच के आवाज आके कान तक पूरे और हा कैमरे से डिसीजन कह कह जे जन सिद्ध के बाद बच्चा है अये के युवा युवती है तेरा आइए के नीति लागू होने गरी आ नागरिकता दियो कह के हम सब मांग कर रहे थे यदि आ सुने थी आ राजनीतिक वोट के राजनीतिक नहीं कर रहे थे ताहर नागरिकता के कैंडिडेट से दू जनता के स्वागत करते जनता से राजनीति कर चाहे थी तो मालिक नहीं नौकर में इनका राजनीति करूं सुहो कह चाहे थी आदरणीय जन समुदाय सब हमरा बात सब तो बहुत राख के चल समय बहुत भ गेल सभी साथी सब के बहुत धन्यवाद दिए चाहे थी हमू सब चाहे थी आई बहुत बरिस के बाद झंडे 10 बरिस के बाद आई लेकर आई एम आल के धौसा जिला में अई पवित्र